नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। दिल्ली के में रोजाना 80 लोग हो रहे हैं लापता। गुमशुदा लोगों की मिसिंग पर्सन ऐप से दर्ज करें शिकायत। डिजिटल होर्डिंग और स्क्रीन से मानव तस्कर गिरोह पर आप भी रख सकते हैं नज़र। देश की राजधानी नई दिल्ली में, जहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, साथ ही यहाँ पर रोजाना आवाजाही करने वालों की तादाद भी लाखों में है, घूमने के लिहाज से या फिर इलाज के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं परिवार के साथ। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में रोजाना औसतन 80 लोग लापता होते हैं। इस साल सितंबर तक करीब 18,000 से अधिक लोगों के गुमशुदा होने की शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चियां हैं। गुमशुदा लोगों को अपनों से मिलाने के लिए दिल्ली पुलिस एक अनूठा अभियान इस साल दिसंबर में शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बाजारों, बस अड्डों, मॉल आदि जगहों पर लापता लोगों का विवरण तस्वीरों के साथ स्क्रीन पर बार बार दिखाया जाएगा। संबंधित एजेंसियों से संपर्क साधने के लिए टेलीफोन नंबर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा गुमशुदा लोगों का विवरण ऐप के जरिए भी निरंतर अपडेट किया जाएगा। दिल्ली में साल 2018 में 23,862 लापता लोगों की शिकायत विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई थी, जिनमें 15,344 अब भी लापता हैं। पुलिस के मिसिंग पर्सन ऐप के जरिए आम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बच्चों के साथ मानव तस्करी की गतिविधियों को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट तौर पर रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तथा मॉल्स में इसकी स्क्रीन दिखाई जाएगी, और अगर अनुकूल प्रतिक्रियाएं मिली तो आगे इसका विस्तार किया जा सकता है। इससे आपकी सतर्कता भी बच्चा चोर गिरोहों को पकड़वाने में मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि मानव तस्कर अमूमन ट्रेनों या बसों के जरिए ही आवाजाही करते हैं, ऐसे में इन जगहों पर नज़र रखने से बच्चा चोर और मानव तस्करी करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसा जा सकता है। ऐप के जरिए कैसे करें शिकायत? गुमशुदा लोगों की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की अब ज़रूरत नहीं है। अपने स्मार्टफोन में आपको मिसिंग पर्सन ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको शिकायत दर्ज करने के स्टेप फॉलो करने होंगे और मामला दिल्ली पुलिस के हवाले हो जाएगा। दिल्ली पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर गुमशुदा व्यक्ति का फोटो और परिचय स्क्रीन पर अपडेट कर जांच शुरू कर दी जाएगी। आप हैरान होंगे कि कर्नाटक ने फिल्म बजरंगी भाईजान देख अपनाया था मिस्ड पर्सन ऐप का आइडिया। कर्नाटक पुलिस पहले से ही मिस्ड पर्सन ऐप के जरिए गुमशुदा लोगों की तलाश कर रहा था। यहाँ पर इस ऐप के जरिए अपनों को ढूंढने में मदद मिली है, साथ ही शिकायत दर्ज करने में सहूलियत भी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक पुलिस को यह आइडिया फिल्म बजरंगी भाईजान देखने के बाद आया था। यहाँ के पुलिस अधिकारी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि पुलिस लापता लोगों को उनके परिवार वालों से मिला सके। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह पाकिस्तान की गूंगी बहरी बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ जाने के बाद कैसी कैसी दुर्गतियों से जूझी और उसे किस तरह वीडियो वायरल करके उसके परिजनों से मिलाया गया। पुलिस चाहती है कि किसी भी परिजन को इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप भी इस ऐप का इस्तेमाल करें और अपने गुमशुदा लोगों को तलाश करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।